हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ यू ऑल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा दार्जिलिंग में पहला दिन है और अभी हम लोग यहाँ के लोकल किसी एरिया में घूमने के लिए निकले। परवेश भाई कहाँ जा रहे पहले? हेलो, हम जा रहे हैं चित्रे टी स्पॉट है, कोई टी गार्डन। चित्रे टी स्पॉट करके है कोई टी गार्डन, और यहाँ से कितना दूर होगा वो? यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है। ओके, और पैदल जा रहे हैं या फिर टैक्सी में? अभी पैदल जाना पड़ेगा अपन को, चित्रे तक पैदल जाएंगे, उसके बाद अपन टैक्सी ले लेंगे जहाँ भी आगे जाना होगा। बाकी अभी टाइम कुछ ज्यादा लेट हो गया, हमें सुबह सुबह करने में बहुत टाइम निकल गया हमारा। अभी कितने बज रहे हो परवेश भाई? अभी 11:38। ओ बाप रे, 11:45 हो चुके, तो जल्दी से निकलते हैं। बाकी ये लेबोंग की छोटी मोटी मार्केट है और लेबोंग दार्जिलिंग से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव है, वहीं हमारा हॉस्टल है। और कल क्या हुआ था कि कल दार्जिलिंग में कोई जगह खाली नहीं थी, अभी इतने ज़्यादा टूरिस्ट भरे पड़े हुए कि होटल का सब प्राइस डबल डबल कर दिया, कहीं पर खाली जगह नहीं है। तो फाइनली हमें ये 400 रुपये में एक हॉस्टल मिला था। भाई व्यू क्या है, मतलब चित्रे हमारे हॉस्टल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ टी गार्डन है। वहाँ पर अलग अलग जो चाय की पत्तियाँ उसकी शॉप वगैरह है और नीचे की बाजू एक गार्डन भी है, टी गार्डन। तो देखते हैं बाकी वहाँ जाके, मुझे भी उतना डिटेल में कुछ पता नहीं है। बाकी यहाँ का मौसम बहुत ही सही हो रहा है यार, मतलब ये देखो आप, और यहाँ मौसम अभी ऐसा है कि शायद बारिश गिर सकती है। तो मैं कल बोल रहा था कि मुझे एक छाता खरीदना है, तो अभी तक मैंने खरीदा नहीं। 350-350 रुपये बोल रहे थे छाता का, तो वो कुछ ज़्यादा और लग रहे थे मुझे, पर अभी लग रहा है कि 300 रुपये हमें देने ही पड़ेंगे, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। बाकी कल रात यहाँ पर ठंड पड़ रही थी, लिटरली मैं जैकेट पहनकर ऊपर गया था खाने के लिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे बारिश के बारे में कि मौसम बारिश होने वाला ऐसा लग रहा है, और बारिश शुरू भी हो गई है। फाइनली बारिश तो रुकी नहीं और हम लोगों ने एक टैक्सी जीप वगैरह बोल सकते हैं उससे पकड़कर अभी चित्रे पहुंच रहे हैं। वेट करते तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और दार्जिलिंग में तो बारिश का तो ऐसा ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। थैंक यू। हाँ जी सर, आगे। अरे भाई 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं चले हम लोग और चित्रे आ गए। थैंक यू दादा, थैंक यू। चलो पहुँच गए चित्रे। चित्रे गार्डन आ गए। पहले जब हम एंटर कर रहे थे तो वहाँ वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था। वैसे यहाँ का नियम ये है कि आप वो गाड़ी लेकर आते हो तभी आपको वहाँ अंदर आने देते हैं। फिर हमने बात की तो उन लोगों ने बैठने दिया हमें और चाय पी। अभी हम फाइनली जा रहे हैं नीचे, यहाँ पर कोई टी गार्डन है और काफ़ी टूरिस्टिक जगह है, लोग बहुत सारे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप फोटो खींच सकते हो लेकिन चाय की जो पत्तियाँ होती है उसे नहीं तोड़ सकते आप लोग। तो ये जगह है, यहाँ पर आप जो पहाड़ी लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो पहनकर आप टी गार्डन की फोटो खिंचवा सकते हो। ड्रेस का रेंट है 50 रुपये। और दादा ये 50 रुपये में दोनों मिल जाता है, ड्रेस और फोटो दोनों की? सिर्फ ड्रेस का ही चार्ज 50 रुपये? ड्रेस का ही चार्ज 50 रुपये और फोटो खिंचवाने के अलग 50? तो ये सही है, अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप फोटो खिंचवा सकते हो। बाकी ये यहाँ कुछ लोग हैं जो फोटो खिंचवा रहे हैं ऑलरेडी। और यहाँ हर एक जगह पर एक बोर्ड लिखा हुआ है कि आप चाय की पत्तियाँ मत तोड़िए, तो अगर आप आते हो तो चाय की पत्तियाँ तोड़ना मत, वरना वो लोग आपको शायद कुछ बोल सकते हैं या तो फिर फाइन भी आपको कर सकते हैं। बाकी व्यू यहाँ से बहुत ही सही है। बारिश अभी रुक गई और अच्छी बात है बारिश रुक गई, वरना हमारा मूड बिगड़ जाता पूरा। ये देखो यार, ये नज़ारा देख के ना हो गया।
क्या साउंड है ना यहाँ का, एकदम पीस है। अभी हम थोड़ा नीचे की बाजू आ गए हैं, यहाँ टूरिस्ट कोई है ही नहीं, हम दो लोग ही आए हैं, मैं और परवेज भाई। ऊपर लोग फोटो खिंचवाने में बिजी हो गए, इस वजह से यहाँ कोई नीचे आता ही नहीं। हम लोग थोड़ा चलकर नीचे आए हैं, चलने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि फिसलन काफ़ी है, अभी बारिश होकर गई है। बाकी यहाँ से कोई वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, पानी गिर रहा होगा शायद। अभी हम चलते ही जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहा होगा ये रास्ता। तो सर वो चाय पीने गए थे हम वहाँ, वो लोग क्या बोल रहे थे कि क्यों नहीं हमें बैठने दे रहे थे? सर ये होता है कि जो गाड़ी आप पार्क करते हो उसका भी वो पैसा लेते हैं। ओके। और वो एक तरीके से उनका मेन इनकम सोर्स है। तो अगर हम गाड़ी पार्क करेंगे तो फिर वो चाय के पैसे नहीं लेंगे? तो चाय के पैसे भी लेंगे लेकिन आपको फिर वो फैसिलिटीज दे देते हैं। तो अगर आप गाड़ी कहीं और पार्क कर देते हो और फिर चाय कहीं और पीते हो, वो सपोर्ट नहीं करते उस चीज को, वो चाहते हैं कि हमारे उन लोगों का मेन टारगेट यही रहता है कि उनको पार्किंग के पैसे भी मिले। वहाँ जब आप चाय पीने जाओ तो चाय के पैसे भी मिले, और चाय पत्ती खरीदो तो उसके भी पैसे मिले। तो ये होता है यार, क्योंकि ये इतना टूरिस्टिक एरिया है तो फिर इन लोगों का कमाने का जरिया ही यही है, तो शायद इसीलिए बोला होगा। अभी और हम नीचे जा रहे हैं, देखते हैं अगर ये आवाज़ आ रही है वो झरना में मिल गया तो हम उसे भी कैप्चर कर लेंगे। बाकी यार ज़्यादा टूरिस्टिक जगह पर मज़ा नहीं आता, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ एक दिन और रुकूँ और फिर निकल जाऊँ। यार मुझे भीड़ भाड़ में उतना पसंद नहीं है। दार्जिलिंग वैसे मेरा बहुत सालों से सपना था कि घूमने आऊँ, फाइनल में आ गया। और ये वाटरफॉल है, छोटा सा ही, कुछ पानी गिर रहा है। चलो फिर वापस ऊपर चलते, आगे का कुछ प्लान करते। बारिश रुकी तो पहले दार्जिलिंग अंदर सिटी जाकर पहले सबसे पहला काम छाता खरीदना है भाई मुझे, क्योंकि साथ में बैटरी वगैरह है, कैमरा है, मोबाइल है, तो वो सारी चीज़ें बिगड़े वो मैं नहीं चाहता हूँ। गाइस तो चित्रे गार्डन से अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम ना? टेंजिन रॉक करके कोई जगह है, और वहाँ पर क्या देखने लायक? हम रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं वहाँ पे, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। और यहाँ से 2 किलोमीटर है तो हम लोगों ने टैक्सी ले ली। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टेंजिन रॉक, और ट्रैफिक आप देख लो एक बार। छोटे छोटे रास्तों पर दो सामने से गाड़ी आ जाती है और वहाँ भी पार्किंग होती है साथ ही में, तो ट्रैफिक यहाँ पर बहुत लगा रहता है। और ये यहाँ पर दार्जिलिंग टी मिलती है। ये कितने ग्राम का पैक है और कितने में मिलता है? 25 रुपीज में। तो यहाँ पर ये ऐसी मतलब लगी हुई है, बाकी यहाँ पर पकोड़े और मैगी वगैरह सब मिल रही है, आंटी तल रही है। ये है तेंजिन रॉक क्लाइंब। तो भाई तेंजिन रॉक पे तो हम लोग गए और फिर निकल ही आए, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर है वहाँ पर, मैंने वीडियो में आपको दिखा दिया होगा। तो वहाँ पर ऊपर चढ़ना है फिर उतरना है, और उतना मुझे खास कुछ लगा भी नहीं और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था पर्सनली, क्योंकि अगर फिसले तो फिर घुटने तो गए समझ लो। तो फिर मैंने किया नहीं। बाकी इसके लिए ये लोग चार्ज कर रहे हैं 100 रुपये, तो अगर आप करना चाहते हो तो तेंजिन रॉक आ सको। यहाँ ऐसे नीचे से ऐसा पूरा चढ़कर फिर यहाँ से होते हुए हम लोग यहाँ आए। ये जू में एंट्री के लिए लाइन है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट है। अभी देखते हैं वहाँ टिकट कितनी है। जू की एंट्री टिकट है 60 रुपीज़, अगर आप कैमरा साथ में ले जाना चाहते हो तो 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और फॉरेनर के लिए है 100 रुपीज़ टिकट। और बंदा हमारा खड़ा रह गया लाइन में टिकट के लिए, तो अभी वो लेकर आए, वैसे हम लोग भी अंदर चल। तो फाइनली हम लोग जू में एंटर हो चुके हैं, टिकट हमारी आ गई है, और आते ही एंट्रेंस में हमें भालू के दर्शन हो गए हैं।
हम पहले कहाँ जा रहे हैं सर? पहले हम ये जो हर्बीवर्स है, टाइगर है, वोल्फ है, इन सब का देखेंगे। ओके, फिर अपन देखेंगे रेड पांडा वगैरह। इधर HMI भी है। HMI का फुल फॉर्म क्या है? HMI है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो मुझे खास जू में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे तो वही इंस्टीट्यूट देखनी है। और ये क्या बैठा हुआ? अच्छा, जू वो बच्चों के लिए होता है, मुझे पर्सनली कुछ उतना इंटरेस्ट है नहीं। ये रॉक क्लाइंबिंग गए थे, 10 दिन रॉक क्लाइंबिंग, तो वहाँ भी ऐसा ही सीन था, बच्चों के लिए था। ये कुछ छोटे छोटे जानवर है यहाँ पर। ये सही था, रास्ते में लिखा हुआ था 20 किलो कैलोरी, तो आप इतना चले हो तो आपकी 20 किलो कैलोरी आपकी बर्न हुई, ये अच्छी बात थी। बाकी यहाँ कुछ देखने लायक है नहीं, और मुझे पर्सनली नहीं बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इससे अच्छा और कोई जू जिसमें ज़्यादा जानवर हो गए। यहीं कोई 2-4 बकरी बकरी है, मिस में कुछ लिखा हुआ। ये हमारे भाई साहब को जू का बहुत शौक था, इसी के लिए हम लोग आए हैं। बाकी अभी हम लोग HMI जाने वाले हैं, तो वहाँ देखते हैं, वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो तो। बाकी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, अगर कुछ खाना पीना हो तो। फाइनली हम लोग आ गए हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। अभी अंदर चलकर देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। इसके बारे में एक हाँ सर चीज़ है, अगर आप यहाँ पर 1 महीने का 2 महीने का कोर्स कर लेते हैं, हाँ, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है माउंटेनियरिंग का। हाँ, उसके बाद आप इसी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप घूमने का शौक रखते हैं तो। हाँ, तो बहुत सारी कंपनीज है जो वैकेंसी निकालती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ हर जगह कैमरे यूज़ करने के लिए मना कर रहे हैं, तो मैं अभी कैमरा रख देता हूँ और फिर बाद में बाहर निकल कर बात करते हैं। तो यहाँ पर है ये हिमालयन माउंटेन की रेंज दिखा रखी है ये सारी, और यहाँ से आप जो भी बटन प्रेस करोगे वो वहाँ पर लाल बत्ती होगी, जिससे आपको पता चलेगा। ये देखो वहाँ पर लाल होगी, ये बंद हो गई। ये सारी चीज़ें जो आप जब क्लाइम करते हो तब यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें यूज़ की हुई है। अच्छा, पर्सन जो थे कभी चढ़े थे तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। पीपल स्वेटर में देख सकते हो। ओके, ये स्वेटर वही वही जो हाँ जो इन्होंने पहना। ये कौन है? नंदू, लेट मेजर नंदू जयाल। अच्छा, लेट मेजर नंदू जयाल। फाइनली तो हम लोग वहाँ म्यूजियम से बाहर आ गए हैं, और ये पता नहीं म्यूजियम में कुछ वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, मना कर रहे थे। मतलब मैंने 1-2 बार ट्राई किया कि मैं चुप चुप के ऐसे वीडियो बना लूं, लेकिन वो फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि सर आपको मना किया फिर भी क्यों बना रहे हो वीडियो, फिर मैंने नहीं बनाया। पर अंदर म्यूजियम में इतनी सारी माउंटेन के रिलेटेड हिस्ट्री भरी हुई है कि मतलब ये मच रिकमेंडेड है कि अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर आए। बहुत सारी चीज़ें जानने वाली है, जो अलग अलग माउंटेन्स थे वहाँ पर, किसने कब कौन से टाइम पर सर किया था, और उन लोगों ने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर है, और बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको माउंटेन के रिलेटेड। तो ये यहाँ पर आना एक बारी तो बनता ही है। तो अभी कुछ खाते हैं फिर आगे घूमने का प्लान डिसाइड करते हैं। अभी कौन सी जगह जा रहे हैं हम लोग सर नेक्स्ट? अभी बैठ कर पहले देखते हैं कि कौन कौन सी जगह नज़दीक है चेक करने के लिए।
तो अपन पहले खा लेते हैं, उसके बाद ऊपर बस एक बार तो जू का राउंड अप कर लेते हैं। ओके, तो अभी जू का राउंड अभी हमारा बाकी है, कुछ खाते हैं फिर जू को एक चक्कर काटते फिर निकलते हैं यहाँ से। और बारिश रुक गई तो आगे घूमेंगे, वरना वापस हॉस्टल चल देंगे। लूजर को भी बोला था, नहीं ये एक स्लोगन है। ओके, लॉयन मे बी द किंग ऑफ फॉरेस्ट बट वॉल्फ डजंट परफॉर्म इन सर्कस, मतलब अपनी मर्जी का मालिक है चाहे कुछ भी है वो। ओके, तो वो चीज है उसकी, वो देखना उसका एटीट्यूड देखना है। तो भाई को पांडा देखना है और मुझे जो वो म्यूजियम वगैरह था उसमें इंटरेस्ट था। मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, भाई का पांडा एक बार मिल जाए, भूख लगी बहुत जोरों की और खाने जाना है भाई पांडा। मैं मर जाऊंगा इधर पांडा के चक्कर में, वरना तो अभी जल्दी से पांडा को ढूंढते हैं। भाई कहाँ पर है आपका पांडा बताओ, पांडा ढूंढो पहले यार। पांडा अभी देखो उधर एक लोगो लगा हुआ है कि पांडा उधर की तरफ है, तो भाई यहाँ क्यों लेकर आए आप? HMI था ना अपना। ओके, यहाँ पर HMI था इसी वजह से हम लोग, क्योंकि बारिश अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है, हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से निकल जाए यहाँ से वरना भीग जाएंगे। हाँ जी सर, अभी वीडियो में जनता को पांडा ढूंढना है भाई। ये बच्चों वाला खेल मत खेलो, आप बता दो हमारी ऑडियंस को। वो देखो वहाँ पे वो ये यहाँ पर है, आराम कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा शायद, ना दिखे तो ढूंढ लेना। तो इस पांडे ने परेशान कर दिया था हमें, ये टास्क है जनता, क्योंकि भूख लगी थी और पांडा मिल ही नहीं रहा था। हम लोग यहाँ से क्लाइम करते हुए ऊपर जा रहे थे और ये सर बोले कि पांडा भाई ऊपर नहीं, ऊपर मुर्गा मुर्गी है। मैंने बोला ऊपर में है पांडा, तो फिर यहाँ पर आ गया, वरना 1 किलोमीटर का चक्कर और लग गया था। नहीं नहीं लगभग बेसी है, बेसी। अरे चलो बारिश फिर से शुरू हो गई है तो अब निकलते यहाँ से और खाना खाते। पांडा तो वैसे बारिश की वजह से ऊपर छिप कर बैठा हुआ है पांडा। अरे यार ये मैप तो यहीं पे लगा हुआ था, अगर हम लोग पहले ही देख लेते कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर है तो हमें इतना घूमना ही ना पड़ता, हमें जो अपनी जगह है वहाँ चले जाते और फिर वापस आ जाते। पर कोई नहीं, अब भूख लग रही है और सोच रहे कि आगे अभी घूमने जाए या तो फिर हॉस्टल चले जाए, तो पता नहीं पहले खाना खाते और फिर देखते क्या करना है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डू द लाइक बटन, नहीं हो सब्सक्राइब करो, और कुछ सजेशन हो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। बाकी मिलते हैं फिर आपको ऐसे ही किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।